हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए चावल की पिन्नी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो सर्दियों के मौसम में घरों में आमतौर पर बनाई जाती है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। चावल की पिन्नी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। बर्तन में 150 ग्राम हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे और चावल की पिन्नी बनाते समय गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। देसी घी को गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैं 2 किलो चावल के आटे की पिन्नियाँ तैयार कर रही हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो कम आटे का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम देसी घी को चावल के आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और याद रखें गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। कलछी की मदद से अच्छे से चावल और घी को मिक्स कर लें और चावल के आटे को तब तक भूनें जब तक इसमें से खुशबू आने स्टार्ट ना हो जाए, और धीरे धीरे कलछी के साथ अच्छे से मिक्स करते रहें। जब चावल का आटा अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। अब चावल का आटा हल्का सा भुन गया है, इसमें अब हम डालेंगे खोआ। यहाँ पर मैं 1 किलो खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। खोआ डालने से हमारे चावल की पिन्नियाँ हैं वो सॉफ्ट बनती हैं। अगर आप खोए का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी चावल की पिन्नियाँ सख्त हो जाएंगी। यहाँ पर मैं 2 किलो चावल के आटे में 1 किलो खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब कलछी की मदद से चावल के आटे में खोए को अच्छे से मिक्स कर लें। जब खोआ चावल के आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम डालेंगे 200 ग्राम बारीक कटा हुआ नारियल। चावल की पिन्नी बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ सूखे नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको साबुत काली मिर्च का स्वाद चावल की पिन्नी में अच्छा लगता है तो आप साबुत काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नारियल को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नारियल को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हमारे तैयार किए हुए मिश्रण में 2 किलो पीसी हुई चीनी डाल देंगे। यहाँ पर मैं 2 किलो चावल के आटे में 2 किलो पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। अब हम पीसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ध्यान रखें दूध कच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे से गर्म किया हुआ उबले हुए दूध का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर कच्चे दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चावल की पिन्नियों में से कच्चे दूध की स्मेल आएगी। दूध का इस्तेमाल हम जरूरत के अनुसार करेंगे और उतना ही दूध डालेंगे जिससे हमारी हाथों में पिन्नियाँ बन सके। अगर आपने दूध ज़्यादा डाल दिया है तो आप भुना हुआ थोड़ा सा चावल का आटा और डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लेते हुए गोल गोल पिन्नियाँ तैयार कर लेंगे और इसी तरह से हम सारी पिन्नियाँ तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।